हेलो स्टूडेंट्स, आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर टेबल नंबर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के अंदर सेल बायोलॉजी में हमने सेक्शन ए के लास्ट पोर्शन में जिसमें क्या है माइक्रोफिलामेंट, बाकी हमने पढ़ लिया है सेल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है हमने। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे माइक्रोफिलामेंट के बारे में। ये माइक्रोफिलामेंट होने के बाद में क्या होगा, हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर का सेल बायोलॉजी का टॉपिक फर्स्ट सेक्शन ए, जिसके अंदर क्या था सेल के बारे में था, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में था। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक जिसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स तो हमने पढ़ा कि क्या होता है कि वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा के जा रहा है, कहाँ प्रेजेंट रहता है सीलिया फ्लैजिला में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और कहाँ सेंट्रियोल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से हमने किसमें पढ़ा माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे माइक्रोफिलामेंट के बारे में। तो ये माइक्रोफिलामेंट क्या होता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या होता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट क्या है, ये मसल फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बिलो प्रेजेंट रहते हैं और क्या करते हैं मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं, मसल फाइबर्स हेल्प करते हैं। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बनती है, जिसको हम थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट बोलते हैं। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना है, कभी मसल्स का रिलैक्स होना है, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कौन हेल्प करके जा रहा है, वो हेल्प करके जा रहा है माइक्रोफिलामेंट हेल्प करके जा रहा है। ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये किस में प्रेजेंट होता है। ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, मसल्स फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये हॉलो होगा या सॉलिड होगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या था, माइक्रोट्यूब्यूल्स का हॉलो स्ट्रक्चर था, लेकिन माइक्रोफिलामेंट कैसे होगी, माइक्रोफिलामेंट स्ट्रक्चर होगी वो होगी सॉलिड स्ट्रक्चर। कैसे सॉलिड स्ट्रक्चर होगी, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगी, सिलेंड्रिकल होगी जो कि एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बनी है। अब ये एक्टिन फिलामेंट क्या है और मायोसिन फिलामेंट क्या है। एक्टिन क्या होता है, एक थिन फिलामेंट है, मसल्स होते हैं वो दो एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बने, जिसके अंदर क्या है एक्टिन फिलामेंट है वो एक थिन फिलामेंट है और मायोसिन क्या है थिक फिलामेंट है। तो उसके कंपोजिशन से क्या मिलकर बना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके बने, माइक्रोफिलामेंट्स मिलके बने। ठीक है, तो ये एक्टिन जब मायोसिन एक्टिन से जाकर बाइंड करता है तब क्या होता है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मसल्स और नॉन मसल सेल्स दोनों में क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स में प्रेजेंट रहते हैं, मसल्स एंड नॉन मसल सेल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो उसका अरेंजमेंट कैसी होती है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं किसका माइक्रोफिलामेंट के बारे में। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। यह है यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट रहेगा नहीं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट रहता है जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बना होता है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बना है।
मसल्स फाइबर्स में प्रेजेंट रहता है। किसमें? मसल फाइबर्स में प्रेजेंट रहता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। किसमें प्रेजेंट रहता है? यह मसल फाइबर्स में प्रेजेंट रहते हैं। मसल फाइबर्स में है और इसमें हेल्प कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन में। कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में कौन हेल्प करके जा रहा है? ये माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करके जा रहे हैं जो कि दो फिलामेंट्स से मिलकर बने हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन क्या है? एक थिन फिलामेंट। मायोसिन क्या है? एक थिक फिलामेंट है। ठीक है, तो इनके अगर एक्टिन और मायोसिन मायोसिन अगर एक्टिन से जाके बाइंड कर पाएगा तो क्या होगा? मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा जब एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से जाके बाइंड करें। तो ये क्या है? ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहता है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन से एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बना हुआ। ठीक है, मसल फाइबर्स में प्रेजेंट रहता है जो किसमें हेल्प करता है? कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करता है। किसमें? कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये सॉलिड होता है, अनब्रांच होता है और रिव शेप। कैसा होता है? सॉलिड है। माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे थे? होलो थे। ये कैसे है? सॉलिड है। तो सॉलिड होता है, सिलिंड्रिकल होता है, मतलब बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल होता है और रोड शेप का होता है। कैसा है? सॉलिड है, सिलेंड्रिकल है और रोड शेप का होता है। कौन? माइक्रोफिलामेंट। अब माइक्रोफिलामेंट के बारे में वो पढ़ते हैं कि ये किस में हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रैक्शन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करके जा रहा है। और जो सुडोपोडिया फॉर्मेशन होता है कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बिलो प्रेजेंट रहता है, मतलब कि उसके नीचे प्रेजेंट रहता है। कहाँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिलो प्रेजेंट रहता है और किस में हेल्प करता है? सुडोपोडिया फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसके अंदर सुडोपोडिया बना के जाता है। ठीक है, और सेल डिवीजन के टाइम पे, साइटोकाइनेसिस के टाइम पे, साइटोकाइनेसिस के टाइम पे जब ये सेल मेम्ब्रेन इस तरह से सेल प्लेट या सेल फरो फॉर्मेशन करती है, तो इसमें कौन हेल्प करके जा रहा है? इसके अंदर हेल्प करके जा रहा है माइक्रोफिलामेंट, हेल्प करके जाता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिलो प्रेजेंट रहती है। और इसमें हेल्प करती है सुडोपोडिया फॉर्मेशन में। सुडोपोडिया बना के जाती है, सुडोपोडिया बना के जाती है। किसमें हेल्प? सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिलो प्रेजेंट रहता है मसल्स, और क्या बना के जा रहा है? सुडोपोडिया फॉर्मेशन बना के जा रहा है, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है और सेल फरो बना के जा रहा है। अभी सेल फरो क्या होता है? सेल फरो में हेल्प कर रहा है एनिमल सेल्स के, एनिमल सेल्स के अंदर जब साइटोकाइनेसिस होता है, तो साइटोकाइनेसिस होता है तो सेल मेम्ब्रेन इस तरह से क्या करती है? सेल फरो का फॉर्मेशन करती है। सेल्स जब डिवाइड होती है, साइटोकाइनेसिस होता है, तो इस तरह से एनिमल सेल्स के अंदर सेल फरो फॉर्मेशन होता है। तो ये कौन हेल्प करके जा रहा है इसके अंदर? इसके अंदर हेल्प करके जा रहा है माइक्रोफिलामेंट, हेल्प करके जा रहा है। कौन? माइक्रोफिलामेंट हेल्प करके जा रहा है। तो ये क्या है? माइक्रोफिलामेंट के फंक्शन में क्या कहाँ कहाँ हेल्प करता है? सुडोपोडिया फॉर्मेशन में, सेल डिवीजन में और सेल फरो फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और ये सपोर्ट करता है सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत प्रेजेंट है, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है और सेल डिवीजन में हेल्प करके जा रहा है, सेल फर्रो फॉर्मेशन करके जा रहा है और सेल मेम्ब्रेन में उसको सपोर्ट कर रहा है। कौन? माइक्रोफिलामेंट। कौन हेल्प करके जा रहा है? माइक्रोफिलामेंट हेल्प करके जा रहा है। अब हम देखते हैं माइक्रोफिलामेंट जो किससे मिलते होते हैं, एक्टिन और मायोसिन से मिलते होते हैं। उसके हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह के इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। उसके अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं मसल्स, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखते हैं एक्टिन फिलामेंट्स मसल्स के मसल सेल के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स को देखते हैं। इसके अंदर मसल सेल्स के अंदर हम देखेंगे माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स किस तरह से इसके अंदर अरेंज रहते हैं, तो ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। जो कि सॉलिड होती है, कैसी होती है? सॉलिड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये मायोफाइब्रिल्स से मिलकर बना है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसका क्या है, यहाँ पर इसकी जो डायमीटर रहता है 50 माइक्रोमीटर्स का डायमीटर रहता है, ठीक है। और जो मायोफाइब्रिल्स है उसका 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर्स का डायमीटर रहता है, ठीक है। तो मायोफाइब्रिल्स के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एक सिंगल मायोफाइब्रिल्स के अंदर बहुत सारी क्या प्रेजेंट रहती है, सार्कोमियर्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? सार्कोमियर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि सेपरेट होते हैं किससे, जेड लाइन से सेपरेट होते हैं। अब सार्कोमियर्स मतलब कि ये मसल्स के अंदर इसकी स्ट्रक्चर ऐसे क्या है, एक्टिन और मायोसिन किस तरह से अरेंज है। सार्कोमियर्स के अंदर क्या है, एक्टिन और मायोसिन अरेंज है जो कि जेड लाइन से सेपरेट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक मसल्स का है माइक्रोफिलामेंट है जो कि सिलेंड्रिकल है और सॉलिड स्ट्रक्चर है, जिसका डायमीटर 50 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। और इसके अंदर मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं, मायोफाइब्रिल्स से भरा होता है, ठीक है। मायोफाइब्रिल्स का डायमीटर 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। मायोफाइब्रिल्स सार्कोमियर्स से मिलकर बने हुए होते हैं, किससे, सार्कोमियर्स से मिलकर बने होते हैं। अब ये सार्कोमियर का डायग्राम हम देखते हैं कि सार्कोमियर्स के अंदर क्या क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन किस तरह से अरेंज करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किसका, सार्कोमियर का डायग्राम। इसके अंदर क्या है, ये है एक्टिन, ठीक है, ये एक्टिन हो गया, यहाँ पर ये एक्टिन हो गया, ये एक्टिन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, थिन फिलामेंट भी बोलते हैं इसको। एक्टिन फिलामेंट को क्या बोल के जा रहे हैं, थिन फिलामेंट बोल के जा रहे हैं। और उसके नीचे क्या प्रेजेंट रहता है, उसके नीचे प्रेजेंट रहता है मायोसिन फिलामेंट। कैसा, मायोसिन फिलामेंट, ये क्या है, मायोसिन। यहाँ क्या है, मायोसिन। इस तरह से अरेंज रहते हैं मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, मायोसिन फिलामेंट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा ये दो मायोसिन, फिर बाद में क्या आ गया, एक्टिन फिलामेंट, फिर बाद में क्या आ गया, ये मायोसिन, ये क्या आ गया, मायोसिन, यहाँ पर क्या आ गया, एक्टिन फिलामेंट। इसकी क्या है, हेड प्रेजेंट है दो और टैल फॉर्म में प्रेजेंट है, हेड टैल फॉर्म प्रेजेंट है इसकी और दो हेड प्रेजेंट है। तो ये इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। अभी हम एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है। तो ये क्या है,
हमने क्या कर दिया, ये क्या है थिन फिलामेंट है, और यहाँ पर क्या है फिर से क्या आ गया, फिर से आएगा एक्टिन फिलामेंट अरेंज आएगा, नीचे क्या है मायोसिन एक्टिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, इस तरह से क्या रहता है ये अरेंज रहता है, इसके अंदर सार्कोमियर्स के अंदर, इसमें अरेंज रहता है सार्कोमियर्स के अंदर अरेंज रहेगा, यहाँ पर क्या है फिर से क्या आ गया एक्टिन फिलामेंट आ गया, ये क्या आ गया एक्टिन फिलामेंट आ गया, ये क्या आ गया एक्टिन फिलामेंट आ गया, तो इस तरह से क्या है ये सार्कोमियर्स अरेंज रहता है, ठीक है। यहाँ पर फिर से मायोसिन आ गया, ये फिर से मायोसिन आ गया, इस तरह से, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको क्या बोलते जा रहे हैं, थिन फिलामेंट या फिर एक्टिन, और ये क्या है थिक फिलामेंट या फिर मायोसिन, ठीक है। तो हम इसको डायग्रामेटिकली समझ लें कि ये माइक्रोफिलामेंट है क्या, किस तरह से अरेंज फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। और हम ए बैंड और बी बैंड, ए बैंड और आई बैंड के बारे में पढ़ते हैं, जो ये मायोसिन वाला है दोनों बायोसिन मायोसिन, इसको हमने क्या बोला ए बैंड, यहाँ पर क्या दिखाई दिया यहाँ से मायोसिन का, तो इतना कौन सा है इसको बोला ए बैंड बोला, और जो इन दोनों के बीच में आई बैंड प्रेजेंट है, तो किस तरह से ए बैंड मतलब कि जिसके अंदर मायोसिन प्रेजेंट है, ठीक है, मायोसिन और कुछ एक्टिन प्रेजेंट, और ए बैंड आई बैंड के अंदर टोटल कौन सा प्रेजेंट है एक्टिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये ए बैंड और आई बैंड के अंदर डिवाइड रहता है। अब क्या है जेड लाइन, जेड लाइन क्या होती है, जेड लाइन दो एक्टिन है, यहाँ पर क्या है ये जेड लाइन एक्टिन के बीच में से क्या निकलती है जेड लाइन, दोनों जेड लाइन के बीच में क्या होता है ये सार्कोमियर, इसको क्या बोल के जा रहे हैं सार्कोमियर बोल के जा रहे हैं, मतलब कि ये सार्कोमियर ये जो हमने बताया ये क्या कह रहा है दो जेड लाइन से सेपरेट रहता है, दो जेड लाइन के बीच में सेपरेट, बीच में प्रेजेंट रहता है कौन सार्कोमियर, जिसके अंदर एक्टिन और फिलामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है जेड लाइन, ठीक है, आई बैंड हो गया, ए बैंड हो गया, ठीक है, और दोनों मायोसिन के बीच में कौन सी एम लाइन चलती है, तो ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक्टिन और मायोसिन किस तरह से अरेंज रहते हैं ये हमने बताया, किस तरह से एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन मसल्स के अंदर है क्या स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह से है मायोफाइबर्स प्रेजेंट है जो कि सार्कोमियर से मिलकर बने हैं, सार्कोमियर के अंदर क्या है एक्टिन है मायोसिन है, एक्टिन है मायोसिन है, इस तरह से अरेंज है। अब हम देखते हैं ये इस तरह से इसकी क्या है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मसल्स की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, इसकी एक्टिन की स्ट्रक्चर क्या है और मायोसिन की स्ट्रक्चर क्या है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है इनमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो रहा है, ठीक है, इस तरह से ये अरेंज रहता है। अब एक्टिन फिलामेंट कैसा होता है, एक्टिन फिलामेंट लॉबुलर और एफ एक्टिन और क्या बोलते हैं जी एक्टिन, जी एक्टिन होता है, जी एक्टिन क्या होता है ग्लोबुलर एक्टिन होता है, मतलब कि एक सर्कुलर एक्टिन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या है इस तरह से अरेंज रहता है। इस तरह से ही अरेंज रहता है ग्लोबुलर, तो ये एक ग्लोबुल प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे इसको जी एक्टिन बोलेंगे। अगर बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन मिलके मिल जाते हैं
और एक क्या बनाते हैं, इस तरह के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके अंदर क्या है ग्लोबुल्स के फॉर्म में, ये हेलिकल्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं, दो स्ट्रैंड्स के अंदर है, ठीक है, और क्या है, और हेलिकल है। तो इस तरह से क्या है, ये अरेंज रहते हैं। तो ये क्या बोला, ये इसको बोला जो कि जी एक्टिन, एक ग्लोबुलर, एक ग्लोबुलर एक्टिन से क्या बन गया, एफ एक्टिन बन गया, मतलब कि फिलामेंटस एक्टिन बन गया। तो समझ में आया जी एक्टिन क्या है और एफ एक्टिन क्या है। जी एक्टिन क्या है, ग्लोबुलर एक्टिन है, एफ एक्टिन क्या है, जी एक्टिन, बहुत सारे जी एक्टिन मिलकर क्या बना रहे हैं, एफ एक्टिन बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक्टिन फिलामेंट। मायोसिन के अंदर क्या होता है, मायोसिन के अंदर ये टेल प्रेजेंट रहती है और ग्लोबुलर हेड प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट रहता है, टेल और ग्लोबुलर हेड प्रेजेंट रहते हैं। इसके अंदर क्या है, इस तरह से स्ट्रक्चर रहती है हेलिकल, ठीक है, और क्या है ग्लोबुलर हेड, हेड प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा हेलिकल कोलोइडल नेट, अल्फा हेलिकल कोलोइडल पैर, इसको तो कैल बोल दिया, अल्फा हेलिकल कोलोइडल नेट, ठीक है, अल्फा हेलिक्स से मिलकर बनेगी, तो इसको क्या बोल दिया, अल्फा हेलिकल पैर बोल दिया, जो कि 134 नैनोमीटर, कितनी 134 नैनोमीटर की होती है। और ऊपर क्या है, मायोसिन के हेड, क्या प्रेजेंट है, मायोसिन हेड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, जिसको मायोसिन बोला, और यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोला एक्टिन बोला। ये क्या रहते हैं, जीटीपी बाउंडेड रहते हैं, ठीक है, जीटीपी बाउंडेड रहेंगे। तो ये एक्टिन और मायोसिन किस तरह से अरेंज होते हैं, ये समझ लो, ये क्या है, इसकी टैग है, यहाँ पर क्या है ग्लोबुलर हेड, यहाँ पर क्या है बीच में वापस मायोसिन, और ये क्या है ग्लोबुलर हेड, ठीक है। इस तरह से क्या है, दो मायोसिन अरेंज है, दो मायोसिन के बीच में दो मायोसिन अरेंज है। अब दो मायोसिन में क्या होता है, यहाँ पर हेड भी है, यहाँ पर क्या रहता है एक्टिन प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर क्या रहता है एक्टिन प्रेजेंट रहता है हाइड की तरफ, और यहाँ क्या रहता है एक्टिन प्रेजेंट रहता है, यहाँ एक्टिन प्रेजेंट रहता है। तो ये बताया मैंने कि मायोसिन किस तरह से ये अरेंज है, जो मैंने पहले वाली स्ट्रक्चर बताई थी उसी तरह की स्ट्रक्चर है, उसको क्या कर दिया ओपन फॉर्म में कर दिया, कि मायोसिन क्या है टैल और हेड से मिलकर बना है, टैल और हेड से मिलकर बना है, यहाँ पर एक्टिन अरेंज है। तो इस तरह से क्या है एक्टिन और मायोसिन अरेंज है। अब इसको कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, कि एक्टिन और मायोसिन में कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, एक्टिन और मायोसिन में कॉन्ट्रैक्शन पड़ता है, एक्टिन और मायोसिन में कॉन्ट्रैक्शन में ट्रोपोनिन प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि ये एक्टिन है, अल्फा हेलिकल है, ठीक है, ये क्या है एक्टिन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस एक्टिन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ट्रोपोनिन मायोसिन, ये क्या है ट्रोपोनिन मायोसिन प्रेजेंट है, ठीक है। इस ट्रोपोनिन मायोसिन के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, ई कैल्शियम और इनहिबिटर, क्या प्रेजेंट रहती है, ये क्या है ट्रोपोनिन मायोसिन, ट्रोपोनिन ये हेल्प करता है, और ये क्या है एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर क्या प्रेजेंट है ट्रोपोनिन प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर क्या है टी, टी है जो कि ट्रोपोनिन से अटैच करता है, ठीक है, और ई आई, आई मतलब कि इनहिबिट करता है कि मायोसिन एक्टिन से जाके बाइंड ना कर जाए, ठीक है। और यहाँ पर है कैल्शियम, अगर हम इसको कैल्शियम प्रोवाइड करा देंगे, कैल्शियम देने से क्या होगा, ये कैल्शियम इससे जाके बाइंड करेगा और क्या करेगा, इसको
रोटेट कर देना। रोटेट करने से क्या होगा, ये ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन जो मायोसिन है उससे क्या होगा, ट्रोपोनिन प्रोटीन से हट जाएगा, ट्रोपोनिन प्रोटीन से हट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर इसको मायोसिन को स्पेस मिल जाएगा। ये क्या है, एक्टिन प्रोटीन है, यहाँ पर क्या है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा फिर मायोसिन जाके अटैच हो गया। कैल्शियम देने से क्या हुआ, मायोसिन के हैंड जाके यहाँ पे अटैच हो गए, क्यों, क्योंकि कैल्शियम प्रोवाइड कराने से जो ये ट्रोपोनिन है उसका कनेक्शन टूट गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, अगर एक्टिन फिर मायोसिन से अटैच हो गया तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, किसके थ्रू, एक्टिन और मायोसिन के थ्रू। तो ये हो गया इसका एक्टिन और मायोसिन का कॉन्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं कि जैसे कि ये मतलब यहाँ पर अगर एक्टिन प्रेजेंट है, मतलब कि थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या है मायोसिन प्रेजेंट है और मायोसिन के हैंड प्रेजेंट है, ये मायोसिन के हैंड एक्टिन से जाके बाइंड कर गए तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा जब एक्टिन फिलामेंट से मायोसिन जाके बाइंड कर जाएगा। इसके लिए हमें क्या प्रोवाइड कराना होगा, इसके लिए कैल्शियम प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन के बीच में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये किसके अंदर में है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट का क्या रोल है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का, वो पढ़ा हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ये किस किस में फंक्शन होता है, क्या देखेंगे, माइक्रोफिलामेंट्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में करता है, इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन में। सेकंड क्या है, सुडोपोडिया फॉर्मेशन में, बता चुकी हूँ आपको, सेल फरो क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेल फरो में हेल्प कर रहा है, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, इसमें सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। फिफ्थ क्या है, साइक्लोसिस में हेल्प कर रहा है, साइक्लोसिस में हेल्प करता है कौन, माइक्रोफिलामेंट हेल्प करके जा रहा है, और किसमें हेल्प करके जा रहा है, ये वाउंड हीलिंग में हेल्प करके जा रहा है, सेल स्प्रेडिंग में हेल्प करके जा रहा है, साइटोकाइनेसिस में हेल्प करके जा रहा है, इसके अलावा साइटोकाइनेसिस में हेल्प करके जा रहा है, सेल स्प्रेडिंग में हेल्प करके जा रहा है। तो ये क्या है, ये है माइक्रोफिलामेंट्स के कुछ फंक्शंस है। मेन फंक्शन क्या है इसका, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करना, इसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करना इसका मेन फंक्शन है, इसका माइक्रोफिलामेंट का। अब हम देखते हैं माइक्रोफिलामेंट है और माइक्रोट्यूब्यूल्स है, उसके अंदर डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कि कैसे माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल से डिफरेंशिएट है। तो माइक्रोफिलामेंट क्या है, माइक्रोफिलामेंट सॉलिड स्ट्रक्चर, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने पढ़ा था वो होलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बन रहा था, और बीच में क्या था, होलो था, इसके अंदर क्या है, पूरे में मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है, मतलब कि ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, और इसकी क्या है, इसकी सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसकी क्या है, एक होलो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वो क्या था, प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना हुआ था, इसके अंदर ऐसा कुछ प्रोटोफिलामेंट्स है नहीं, इसके अंदर मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है, मायोफाइब्रिल्स से सार्कोमियर बन रहा है, ठीक है, और उसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ देखते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल के बारे में, यहाँ लिखते हैं माइक्रो फिलामेंट के बारे में।
माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट से किस तरह से डिफरेंशिएट है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या थे? माइक्रोट्यूब्यूल्स थे हॉलो स्ट्रक्चर। ये क्या है? सॉलिड। इसके अंदर क्या है? क्यूबिलिन प्रोटीन प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? क्यूबिलिन प्रोटीन प्रेजेंट। और माइक्रोफिलामेंट्स का हमने अभी पढ़ा, इसके अंदर क्या है? एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है। क्या एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट है? ठीक है। इनकी मोटाई, इतनी मोटाई 270 एंगस्ट्रॉम तक, मतलब कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की मोटाई होगी वो ज्यादा होगी किससे? माइक्रोफिलामेंट से। इसकी कितनी होगी? इसकी होगी 50 से 60 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होगी। तो इस तरह से क्या है, अलग है, मतलब कि डिफरेंशिएट करके जा रहे हैं, दोनों मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराते जा रहे हैं, दोनों सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। और ये प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। ठीक है। और ये खोखली और बेलन आकार होती है, खोखली होती है और ये फाइबर लाइक होती है। कैसे रहती है? फाइबर्स के फॉर्म में, मसल्स फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। ये क्या रहती है? बेलन का सिलैंड्रिकल है, वो भी सिलैंड्रिकल है। ठीक है। उसके अंदर क्या है? मायोफाइबर्स प्रेजेंट। और इसमें क्या है? इसके अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट है। किससे मिलके बना है ये? 13 प्रोटोफिलामेंट्स से मिलके बना है। वो किससे मिलके बना है? वो मिलके बना है मायोफाइबर्स से मिलके। इसके अंदर क्या हमें करना है? सार्कोमियर। सार्कोमियर को कौन सेपरेट? जेड लाइन से सेपरेट रहता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट रहता है। तो अब हम फंक्शंस के बारे में वापस पढ़ते हैं। इसके अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करके जा रहा है, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा कि मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एक्टिन फिलामेंट है, डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है एक्टिन फिलामेंट की। ठीक है। उसके ऊपर मायोसिन आके बाइंड करता है। मायोसिन की स्ट्रक्चर कैसी है? मायोसिन के नीचे टेल और हेड में प्रेजेंट, दो हेड प्रेजेंट है और जिसके नीचे टेल प्रेजेंट। जो टेल होगी वो अल्फा हेलिकल होगी और जो हेड होगा वो ग्लोबुलर होगा। अगर मायोसिन का हेड किससे? एक्टिन से जाके बाइंड कर जाता है तो क्या होता है? तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है? ऐसे तो मायोसिन एक्टिन से जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, जिसके अंदर ट्रोपोनिन मायोसिन और कैल्शियम और इनहिबिटर प्रेजेंट रहता है, जो कि मायोसिन और एक्टिन को इनहिबिट कर दिया जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पर ट्रोपोनिन मायोसिन ट्रोपोनिन से क्या इनहिबिटर से अटैच रहता है, क्या रहता है? यह अल्फा है, एक्टिन फिलामेंट है, उसके ऊपर क्या है? मायोसिन प्रेजेंट है। मायोसिन के ऊपर ये प्रेजेंट है, यहाँ पर इनहिबिटर है, ये ट्रोपोनिन है, ये कैल्शियम प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर ये इनहिबिटर क्या करने जा रहा है? मायोसिन से इससे अटैच है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये मायोसिन के हेड इससे बाइंड नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनहिबिटर प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर कैल्शियम प्रोवाइड करा रहे हैं, कैल्शियम प्रोवाइड कराने से क्या होगा? ये ट्रोपोनिन इससे जाके बाइंड कर जाएगा और इनहिबिटर रिमूव हो जाएगा। इनहिबिटर रिमूव हो गया और टी आके बाइंड कर गया। टी आके बाइंड कर गया तो क्या होगा? मायोसिन एक्टिन से जाके बाइंड कर पाएगा और क्या होगा? मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इसका बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है। और क्या रोल है इसका? सुडोमोनियस फॉर्मेशन, सेल डिवीजन के टाइम पे जब साइटोकाइनेसिस होता है, सेल फरो फॉर्मेशन होता है, किसके अंदर? एनिमल सेल्स के अंदर। सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, प्लांट सेल्स के अंदर। जब एनिमल सेल्स के अंदर सेल फरो का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? कौन हेल्प करता है उसके अंदर? माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं, जो कि क्या बना के जाते हैं? सेल प्लेट, सेल फरो बना के जाते हैं,
और सेल्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो और उसमें हेल्प करके जा रहा है, सेल फेरोमोन में बनाया जा रहा है, स्यूडोपोडिया बनाया जा रहा है, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, और साइटोसिस में, साइटोकाइनेसिस में सेल स्प्रेडिंग में हेल्प कर रहा है। इसमें हेल्प कर रहा है सेल स्प्रेडिंग में हेल्प कर रहा है, सेल एडेशन में हेल्प करके जा रहा है, इसमें सेल एडेशन में इसका हेल्प हो रहा है, और किसमें हेल्प करके जा रहा है, साइटोकाइनेसिस, मेम्ब्रेन रफलिंग, सेल स्प्रेडिंग, ठीक है। ये कौन हेल्प करके जा रहा है, माइक्रोफिलामेंट हेल्प करके जा रहा है, ठीक है। तो आज हमारा ये सेक्शन ए, जिसके अंदर सेल के बारे में हमने पढ़ा, बीएससी के फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड के सेल के बारे में हमने पढ़ा, बाकी सब हमने पढ़ा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा। तो ये आज ये सेक्शन ए हमारा जो था इंट्रोडक्शन सेल के बारे में, सेल की स्ट्रक्चर के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, वो आज कंप्लीट हुआ। कल हम स्टार्ट करेंगे क्या सेक्शन बी, जिसके अंदर न्यूक्लियस के बारे में होगा, ठीक है।